आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रीडिंग नहीं हुई तो मिलेगा एवरेज बिल, संक्रमित हुए कम, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी, मासूम बेटी को गटर के ढक्कन पर छोड़कर भागी मां। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रीडिंग नहीं हुई तो मिलेगा एवरेज बिल। पिछले वर्ष लॉकडाउन में बिल को लेकर मचे बवाल को देखते हुए महावितरण ने इस बार बेहद सदी हुई रणनीति से काम करना शुरू किया है। उपभोक्ताओं को परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर दुकान बंद है या किसी कारणवश रीडिंग नहीं हुई है एवरेज बिल भेजा जाएगा। अगली बार जब रीडिंग होगी और एवरेज बिल खपत से ज्यादा होगा तो अगले बिल से उसे कम किया जाएगा। महावितरण ने मोबाइल नंबर जारी करके व्हाट्सएप या एसएमएस करके रीडिंग भेजने की अपील उपभोक्ताओं से की है। तो वही दूसरी ओर संक्रमित हुए कम, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी। मार्च और अप्रैल महीने के मुकाबले मई में थोड़ी राहत मिली। इस महीने की शुरुआत से ही संक्रमितों की संख्या कम देखी जा रही है, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को 6725 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। रिकवरी दर 88.91% पर पहुंची है। 104,467 नमूने की जांच की गई, 2,244 नमूने पॉजिटिव पाए गए है। वही 102,221 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हुई है। तो वही तीसरी और मासूम बेटी को गटर के ढक्कन पर छोड़कर भागी मां। कोराड़ी क्षेत्र में एक मासूम बच्ची को उसके जन्मदात्री जन्म के बाद उसे गटर के बंद ढक्कन पर बिना कपड़ों के छोड़कर फरार हो गई। इस अज्ञात महिला के खिलाफ कोराड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मासूम बच्ची को मेडिकल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस का मानना है कि किसी महिला ने अपने पाप को छिपाने के लिए इस मासूम को मरने के लिए उसे लावारिस छोड़कर चलती गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार 11 मई की सुबह करीब 7:45 कोराड़ी पुलिस को सूचना मिली कि सुपर एक्स कॉलोनी गेट नंबर 3 मानव टकर लेआउट केटीपीएस कॉलोनी नागपुर में गटर के ढक्कन पर एक मासूम बच्ची को खुले में छोड़ गया है। उपायुक्त नीलोत्पल के आदेश पर इस मामले में धारा 317 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।